और बेटियों के सपनों और कामयाबी को देखते हुए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक शानदार शुरुआत होने जा रही है। बेटियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ग्वालियर प्रशासन ने 10वीं और 12वीं में अच्छे नंबर से पास होने वाली छात्राओं के नाम पर गली मोहल्ले का नाम रखने का फैसला किया है। देश के ज्यादातर शहरों के बच्चों के एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर भी हो चुके हैं और हर साल की तरह इस बार भी लड़कियां लड़कों से आगे ही नजर आ रही हैं। बेटियां बेटों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं और अब यही साबित कर रही हैं साधारण परिवारों की बेटियां। कहीं किसान की बेटी टॉपर है तो कहीं ट्रेलर पिता की बेटी ने कमाल कर दिखाया है। पंजाब की श्रुति हो या फिर रुखसान पढ़ लिख कर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखती हैं। जालंधर की नूरपुर कॉलोनी की रहने वाली रुखसाना बानो पिता मोहम्मद इलियास की टेलरिंग की दुकान में हाथ बटाती है, लेकिन रुखसाना की मेहनत और लगन ने आज इसकी पहचान बदल दी है। अब लोग रुखसाना को पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं की टॉपर के तौर पर जानते हैं। मैं टीचर बनना चाहती हूं और गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाना चाहती हूं, उनकी मदद करना चाहती हूं। मैं उम्मीद करती हूं कि सरकार मुझे हेल्प करेगी फाइनेंशियल तौर पे और मैं फिर टीचर बनके असहाय लोगों को मदद करना चाहूंगी। रुखसाना की मेहनत ने न सिर्फ अपना बल्कि अपने माता पिता का नाम पूरे पंजाब में रोशन कर दिया। घर की स्थिति ठीक ना होने के बावजूद भी रुखसाना ने मेहनत कर टॉपर्स की लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया। नेहरू गार्डन स्कूल में पढ़ने वाली रुखसाना ने 93.56% नंबर हासिल करके टॉप किया है। आमदनी मेरा पूरा ठीक नहीं है, कमाई ठीक नहीं है। मैं सारे बच्चियों को यही संदेश देना चाहता हूं कि पढ़ो, आगे बढ़ो और सक्षम बनो। पंजाब के रोपड़ की रहने वाली श्रुति ने 10वीं में टॉप किया है। श्रुति के पिता ने बेटे को सब्जी बेचकर इस मुकाम तक पहुंचाया। श्रुति ने 98.77% अंक हासिल करके पूरे जिले का नाम रोशन किया है। सारे पासों फोन आ रहे हैं, मैं बहुत खुशी हो रही है। मैं चाहती हूँ कि और जितनी भी कुड़ियां सब हमेशा ही आगे रहें। टॉपर श्रुति का सपना ना तो डॉक्टर बनने का है और ना ही टीचर बनने का, और ना ही कोई ऐसा सपना जिसे आम तौर पर आप स्कूली बच्चों के मुंह से सुनते होंगे। श्रुति इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहती है और देश के विकास में योगदान देना ही इनकी जिंदगी का मकसद है। आगे जाके इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं मेरा स्कूल मतलब पूरा साथ दूंगा। प्लस टू में मेरे लिए आने की पूरी कोशिश करूंगी और अपने स्कूल के स्टाफ को बोला। बेटियों के इन्हीं सपनों और कामयाबी को देखते हुए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक अनोखी पहल की शुरुआत होने जा रही है। बेटियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना बनाई गई है। इसके तहत जो बच्चियां 10वीं और 12वीं में अच्छे नंबरों से पास होंगी उनके नाम पर गली मोहल्ले का नाम रखा जाएगा। हम पंचायतों को या निकायों को हम उनमें प्रेरित करें कि वो बच्चियों के नाम से किसी भवन, किसी सड़क, किसी पार्क इत्यादि का नाम बच्चियों के ऐसी बच्चियों के जिन्होंने उस गांव को उस मोहल्ले को उनका नाम रोशन किया हो, तो ऐसे ही हम रिक्वेस्ट करेंगे और लोकल बॉडीज को निकायों को इस बारे में शक्तियां प्रदत्त हैं। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को इस रूप में आगे बढ़ाने वाला ग्वालियर पहला जिला है जो होनहार बेटियों के नाम पर ऐसा करने जा रहा है। दरअसल गांव में बेटियां 10वीं और 12वीं के बाद पढ़ाई कम कर देती हैं, इसीलिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना बनाई गई है। बहुत ज्यादा खुशी वाला, 19 से अधिक उसने काम किया और मेहनत ही बहुत की है, उसको आगे नीट की तैयारी करवाना है मेरे को। सर बस उसकी पढ़ाई में कोई कमी ना हो, उसको मतलब ज्यादा कुछ फेस ना करना पड़े, उसके कभी उसको कोई परेशानी नहीं दी ना हो, उसको ऐसा सोच रही हूँ। सर वैसे भी उसको पढ़ने के लिए मैंने कभी फोर्स नहीं किया, वो खुद से ही इतनी इंटेलिजेंट है बचपन से। मध्य प्रदेश बोर्ड के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के रिजल्ट में मेरिट लिस्ट में 176 स्टूडेंट्स ने जगह बनाई है। इन सभी बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें सम्मानित किया। अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छा सोचा लड़कियों बारे, लड़की आगे बढ़ेगी तो देश भी आगे बढ़ेगा। कुछ कर्जा वर्जा भी कर लिया थोड़ा बहुत, देखेंगे मजदूरी कराएंगे, मजदूरी कर ही रहे, जो भी बन पड़ेगा करेंगे, लोगों से मदद भी मांगेंगे।
बेटियों की शिक्षा आज के वक्त में सबसे बड़ी जरूरत है। अपनी बेटियों को पढ़ाकर आप भी देश की तरक्की में भागीदार बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं झारखंड के उस गांव की जहां के बच्चों ने अपनी जिद में लाइब्रेरी बना डाली और अब उनका अगला मकसद गांव को नशे से मुक्त करना है। ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। परिवार वाले नशे के आदि, बच्चों को पढ़ने का जुनून, लेकिन पढ़ाई हो तो कैसे? ऐसे में बच्चों ने गांव में लाइब्रेरी खोलने की जिद ठान ली। गांव के लोगों ने नहीं सुनी तो फिर स्थानीय बीडीओ से गुहार लगाई, जिसके बाद बच्चों की जिद के आगे झुकना ही पड़ा और लाइब्रेरी की स्थापना की गई। अब गांव के बच्चे पढ़ाई में जुटे हैं। ये जुनून है खूंटी जिले के चंदापारा गांव के बच्चों का। गांव के सभी गार्जियन ने मिलकर हमें एक सुंदर सा लाइब्रेरी दिया, जिससे हम लोग यहाँ आके ठीक ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकेंगे। पहले जो था नशा में डूबे हुए थे लोग, शराब पीते थे, तो घर में पढ़ने का माहौल नहीं था। तो हम लोग बच्चे लोग सोचे कि पढ़ने के लिए एक जगह होनी चाहिए। हर कोई बच्चा हर घर में अच्छा माहौल नहीं होता है ना पढ़ने के लिए। तो हम लोग सोचे कि एक घर लाइब्रेरी घर होना चाहिए, जो किसी एक स्थान पर हो जहाँ बच्चा आराम से पढ़ सके। तो यही सोच के हम लोग ये उद्देश्य लेके इस घर को बनाए। बच्चों के इस जिद से स्थानीय बीडीओ और मुखिया भी काफी प्रभावित हैं। बच्चों ने मेरे पास अपने शिकायत रखा कि माता पिता शाम में पी कर आते हैं और हमारे पढ़ाई में बाधा होती है, तो उसके लिए आप हमारे बीच जो भी समस्या है उसको दूर कीजिए। और इसके लिए अपेक्षित सहयोग हम और भी जही बुद्धिजीवी जहाँ क्षेत्र में लोग, उनसे हम लोग प्रयास करेंगे कि इस लाइब्रेरी को और उन्नत करने के लिए वो अपना सहयोग प्रदान। चंदापारा गांव के बच्चों के पढ़ने के जिद और जुनून की चर्चा आसपास के इलाकों में भी हो रही है। जो बच्चे कल तक नशे के माहौल में पढ़ नहीं पा रहे थे, वो आज लाइब्रेरी खुलने के बाद सुकून से पढ़ रहे हैं। सोनू अंसारी, जी मीडिया, खूंटी। और जी मीडिया की पहल से अब गोल्डन टेंपल में दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालु देश दुनिया के हर खबर से अब रूबरू हो पाएंगे। अमृतसर के गोल्डन टेंपल में जी मीडिया की तरफ से LED लगवाई गई है, जिन पर 24 घंटे खबरों का प्रसारण किया जा रहा है। गुरु नगरी अमृतसर पहुंचकर श्री हरमंदिर साहब के दर्शनों को आने वाले सैलानी और श्रद्धालु अब लाइव खबरों से भी रूबरू हो सकेंगे। इसके लिए जी मीडिया की ओर से गोल्ड टेंपल में 2 LED पर दिन रात 24 घंटे खबरों का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। खासकर जी मीडिया के नए चैनल जी हिंदुस्तान का प्रसारण यहां किया जा रहा है। जी मीडिया की इस पहल की सैलानियों और श्रद्धालुओं ने खासी सराहना की है। जैसे यहाँ पे एंट्री किया उसी वक्त मुझे काफी खुशी हुई, मतलब हर पहली बार देख रहा हूँ इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन यहाँ पे लगी हुई है। ये सारी स्क्रीन जी न्यूज वाला ने लगाई है, क्या बात है। चलो जी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहली बार अमृतसर आई हूँ, तो जब यहाँ पे एंट्री की तभी ऐसे लग रहा था कि मैं कहीं मतलब आउट ऑफ कंट्री वगैरह में हूँ। और जो हम लोगों ने जी ने जब जो सेटअप लगाया है, तो उससे ऐसे ही लग रहा है कि हम मतलब इतनी तरक्की कर चुके हैं कि मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा एम्बियंस यहाँ पे बन चुका है। आन के देखा है तुहाडियां LED लगियां हुईयां बहुत सोहणियां लगियां, ते आ जिहड़ी पब्लिक इत्थे आउंदी आ दर्शनां लई उहनां वास्ते बहुत वधिया वा, वधिया लुक लगी है उहनां दी। सोहणा जो भी कीता तुसीं बहुत सोहणा कीता। आई केम फ्रॉम जर्नी ऑफ 8 or 9 hours। आई हैव नो न्यूज़ अबाउट द What is happening in the world or in the India or in the Punjab, I don't know. But now I am thinking that is the best item. स्वर्ण मंदिर को देखने रोजाना सिखों के अलावा दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं। फिलहाल जी मीडिया की इस पहल के सैलानियों और श्रद्धालुओं ने सराहना की है। श्रद्धालुओं की माने तो सफर के दौरान वो देश और दुनिया की खबरों से दूर हो जाते हैं। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर, पंजाब,